अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, आप हमारे साथ बराह रास्त हैं इस वक्त माया कहानी की टीम के साथ। और आज माया कहानी की टीम में जो कहानी होगी, जिसका वाकया आपके साथ हम शेयर करेंगे, उससे वाकिफ ना सिर्फ पूरा शहर, पूरा मुल्क और पूरी दुनिया हो चुकी है। कई लोगों का ये मौकफ है कि पाकिस्तान का नाम बदनाम किया जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों का नाम बदनाम किया जा रहा है, इस ज़मीन का नाम बदनाम किया जा रहा है, और ये एक एजेंडे पर हुआ। दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं कि कैसे एक सिंफ नाजुक के साथ इस तरह की हरकत हो सकती है, क्या हमारी बहन बेटियां औरतें महफूज हैं, क्या वो कहीं बाहर जाती हैं तो उनकी इज्जतें महफूज हैं, क्या वो कहीं बाहर लोगों के बीच में अगर चली जाएं तो क्या उनको गिद्धों की तरह उन पर हमला हो जाएगा। अब ये दो तरह के नज़रिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो हैं वो इस वक्त बहस का मौजू बने हुए हैं। और ये एक ऐसा मौजू है इस वक्त जिसके ऊपर हर इंसान पहले जज्बाती हुआ, और अब वो अगर हर इंसान की बात ना हो तो बहुत सारे लोगों का यहाँ तक कहना है कि हम इस तरह के हालात, और जिनमें मैं भी शामिल, कि ये कौन सा तरीका है, ये कौन से हालात हैं, ये कौन सी तरबियत है, ये कौन सा माशरा है जहाँ पर बहन बेटियाँ बाहर नहीं जा सकती। और सिर्फ ये वाकया नहीं, या वाकया सिर्फ आयशा का मीनार पाकिस्तान का नहीं है, ये वाकया अलग अलग जगहों पे, गलियों में, कस्बों में, गांवों में, शहरों में, और पढ़ी लिखी बच्चियाँ जो बड़ी जगहों पर काम करती हैं उन तक आता है, उनके साथ वो तक ये फेस करती हैं। ये हरासमेंट जैसी सी, हिरासा करने जैसी चीज हर दौर में होती रही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हद यहाँ पर देखने वाले की आँख जो है, जब उसने देखा, हद यहाँ पर हो गई कि जब एक लड़की के साथ इस तरीके से एक खुली जगह पर, जहाँ पर हर इंसान को आने जाने का हक है, ये उसके साथ कैसी हरकत हुई है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे लाहौर से रिपोर्टर भी होंगे, हम कुछ हाउसवाइफ्स का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, हम अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, जिनको सबको, जिनका अपना एक नज़रिया है, तो हर तरह का मौकफ आपके सामने होगा। लेकिन इस वक्त तक की अपडेट्स में बहुत सारी अपडेट्स हैं कि इस वक्त आयशा अपने घर पर मौजूद नहीं है। कहीं ये खबर आई है कि जो है वो आयशा पुलिस प्रोटेक्शन में गई हैं, मुलजमान जो अरेस्ट हुए हैं उनको शनाख्त करने के लिए। तो कहीं सोशल मीडिया पर ये खबर भी आई है कि आयशा अकरम को लाहौर की लेडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ वजूहात हैं जो बताई गई हैं, लेकिन अभी इसकी तस्दीक अलबत्ता बाकी है। जब तक तस्दीक नहीं होगी, जब तक हम आपको ये रिपोर्ट नहीं बताएंगे। अभी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ अगर मौजूद हैं तो अब्बास हैदर हमारे नुमाइंदे, अब्बास का एक पैकेज है जो हम आपको दिखाएंगे, जो उन्होंने ख़ास तौर से माया कहानी और न्यूज़ वन के लिए उन्होंने रिकॉर्ड किया। पहले हम आपको वो दिखाते हैं और फिर आपकी अब्बास हैदर से बराह रास्त बात कराते हैं। जी अब्बास, बात करें। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। जी वालेकुम सलाम। अब्बास थैंक यू सो मच माया कहानी में साथ हमारे साथ शामिल होने के लिए। अब्बास सारे वाकये को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये मुझे बताइए कि आयशा जो हैं, ये खबरें आ रही हैं कि आयशा को लेडी पुलिस अरेस्ट कर लेके गई है, और एक तवील लिस्ट है मेरे पास इस वक्त मौजूद जिसमें उनको वजूहात बयान की गई हैं कि किन वजूहात पर उनको अरेस्ट किया गया है, आप बताना चाहेंगे कुछ? जी बिल्कुल, बेसिकली आयशा अकरम का जो केस है वो बड़ा ही एक सेंसिटिव केस बन चुका है। आयशा अकरम को बेसिकली इसने पुलिस को एक एप्लीकेशन दी कि उसकी जान को खतरा है, और इसी वजह से वो जो है वो अपने घर में सेफ नहीं है, क्योंकि ये पहले भी एक हॉस्टल में रहती थी, एक नर्स है, और पीआईसी हॉस्टल है, ये पीआईसी हॉस्पिटल, उसके हॉस्टल में रिहाइश पजीर थी, लेकिन इस वाकये के बाद वो घर में ही आ गई थी, जिसकी वजह से इसकी उसे उसका ये बयान आया था कि इसे बहुत सी कॉल्स आ रही हैं, थ्रेटन कॉल्स भी हो सकती हैं, तो इस वजह से पुलिस उसे प्रोटेक्शन दे। पुलिस अच्छा, ने आयशा को आज अब्बास मेरी बात सुनिएगा, लेकिन ये जो फेसबुक पर एक मीडिया के ही नुमाइंदे हैं जिन्होंने ये शेयर किया है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो क्या हम इसकी तस्दीक कर पाएंगे, हो पाएगी, हमें इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन मिल पाएगी? मैंने अभी इस चीज की तस्दीक की है, पुलिस के जराये ने हमें बताया है कि इसे अरेस्ट नहीं किया गया, बल्कि
इसे लेकर जाया गया है वहां पर, जहां पर 20 मुल्जमान जिनको जो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली फुटेजेस है उन्हें देखते हुए और नाजरा के डाटा के जरिए से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसे बेसिकली शिनाख्त के लिए पुलिस स्टेशन में ले जाया गया है, जहां पर जो है वो इसे उन 20 लोगों की शिनाख्त करवाई जाएगी, कौन कौन से लोग हैं। वहां पर काफी हजूम था, इसलिए शिनाख्त के लिए भी काफी मुश्किल हो सकती है। पुलिस उस वक्त हिरासत में लेती है जब किसी ना किसी किस्म की कोई शिकायत हो या कोई ऐसा मौका हो। इस वजह से अभी आयशा ने खुद एक FIR करवाई है जो इस सारे वाकये की। पुलिस ने अभी कोई अंदर से कोई इंफॉर्मेशन, क्योंकि हाई लेवल की इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है, DIG एडिशनल IGs के लेवल के लोग जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इस वजह से आयशा को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उसे ले जाया गया पुलिस प्रोटेक्शन में। उसे शायद किसी शख्स ने देख कर ये समझा हो कि उसे हिरासत में लिया गया है, लेकिन उसे हिरासत में नहीं, अभी पुलिस प्रोटेक्शन में उसे ले जाया गया है उस जगह पर जहाँ पर उन लोगों को रखा गया है और वहाँ पर उसे शिनाख्त करवाई। जी ठीक हो गया। अब अब्बास, अब हम आते हैं क्योंकि हम शायद हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अब्बास हैदर कि हमें किस तरीके से भी हमारा पुलिस स्टेशन पर हमारा रابطہ करवा दें या कुछ करें। लेकिन अब्बास, अब मुझे एक बात बताइए आपके इस वक्त, अब मैं कुछ सवालात आपको इस केस के हवाले से कुछ सवालात में मेरी हेल्प करनी होगी और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इस वक्त दोनों तरफ ये केस चल रहा है कि आयशा ने जो है वो आने से पहले लोगों को ऐलान किया था कि मैं वहाँ जा रही हूँ तो मेरे फैंस वहाँ पर आए मुझसे मिलने के लिए, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? इसमें बिल्कुल, ये आयशा ने जब ये 14 अगस्त होनी थी, ये 14 अगस्त में 6:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुंची। इससे पहले एक दिन पहले एक वीडियो अपने टिकटॉक चैनल पे इसने जो है वो लगाई, उसमें ये कहा कि वो 14 अगस्त को शाम को जो है वो मीनारे पाकिस्तान में जाएगी, वहां पर टिकटॉक वीडियो बनाएगी, मेरे फैन जो भी है वो वहां पर आकर जो है मुझसे मिल सकते हैं। आयशा अकरम जैसे ही वहां पर पहुंची, ये बात सच है कि इन्होंने ये फेसबुक पर बोला था आकर कि मैं आ रही हूँ 14 अगस्त को, टाइम भी बताया, ये भी सच है कि मैं आ रही हूँ, तो वहां पर आके क्या करें? इसने अनाउंस किया था तो इसने कोई तलब किया था या सिर्फ अनाउंस किया था आयशा ने कि मैं आ रही हूँ? नहीं, ये बेसिकली ये सिर्फ आयशा ही नहीं, आजकल आप देख सकते हैं बड़ा ट्रेंड बन चुका है, लोग जो जो हिट हो रहे हैं उन लोगों ने पहले एक ट्रेंड चला लिया है कि वो जहाँ जब पर जाते हैं वो पहले अनाउंसमेंट करते हैं कि हम फलां जगह पर जा रहे हैं, वहां पर मेरे फैंस जितने भी हैं वो आ सकते हैं, वो आकर मुझसे मिल भी सकते हैं, मेरे साथ सेल्फीज बना सकते हैं, टिकटॉक बना सकते हैं। और हमने कई जगह पर देखा है लोग पहले से ही उनके इंतजार कर रहे होते हैं जी, फलां टिकटॉक स्टार जो है वो या यूट्यूबर जो है वो आ रही है, उससे हमने मिलना है। ये बेसिकली एक वाकया, ये इसकी थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो ये है कि ये जब 6 बजे वहां पर पहुंचे, ये ना सिर्फ आयशा अकेली थी, इसके साथ जो है वो 6 लोग थे और जिनके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि ठीक है जी, FIR में ये दर्ज है कि वो अकेली नहीं आई, साथ आए थे मतलब। जी साथ, जब ये वीडियो ये बनाने आई तो उस वक्त 6 लोग इसके साथ थे। एक रैम्बो था जो आप सारा सोशल मीडिया में देख सकते हैं कि ये जो वीडियोस वायरल हुई हैं उसमें जो मेन जो आयशा के साथ साथ है उस लड़के का नाम रैम्बो है। और शायद आप इस चीज को भी ऑब्जर्व कर रही हो कि रैम्बो 17 तारीख को दर्ज होने वाली FIR के बाद बिल्कुल ही जो है मंजरेआम से गायब है, और मेन जो किरदार है वो साथ यही था कि जो उसे प्रोटेक्शन भी कर रहा था, उसे उठाकर जो है वो सेफ जगह पर मुंतकिल करने के लिए भी कोशिशें कर रहा था। ये 6 लोग उसने यानी FIR में लिखा है कि 6 लोग जो है मेरे साथ आए थे। अब तो मेरा सवाल है अब्बास, एक सेकंड की बात काट रही हूँ, ये बताइएगा ये जो 6 लोग थे ये इनके 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 घर वालों में से कोई था या इनके इनके फैंस में से कोई था, ये कौन थे 6 लोग, ये थे कौन? ये बेसिकली एक जो रैम्बो उसका असल नाम है आमिर सुहेल, ये इसके साथ टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं और जितने भी टिकटॉक वीडियोस हैं उसमें ये आमिर सुहेल इसके साथ है और सारी टिकटॉक वीडियोस इसके साथ मिलकर बनाता है। एक इसका कैमरामैन था जो जारी बात है वो जब ये वीडियो बनाती थी तो कैमरा भी कोई ऑपरेट करने वाले चाहिए होता है, तो वो कैमरामैन भी था क्योंकि वहां पर उनका मकसद ये था कि हम वहां पर जाके टिकटॉक वीडियो बनाएंगे, तो एक कैमरामैन था और 3 लोग और थे साथ जो उनके दोस्त भी थे। उनका नाम FIR में दर्ज नहीं है लेकिन
मुख्तलिफ नाम जो है वो इनमें सामने आ रहे हैं। पुलिस बेसिकली फैमिली का कोई बंदा नहीं था, लेकिन टीम के इनके लोग थे जो इनके साथ घर से आए थे। आयशा हाँ जी हाँ जी, ये बेसिकली ये जो सद्दाम हुसैन है ना, सद्दाम हुसैन ये इसके भाई है। ये एक जब ये वाकया हुआ तो उससे कॉल आई घर में कि आयशा अकरम के साथ जो है वो झगड़ा हो गया है मनारे पाकिस्तान। वो जब यहाँ पर पहुंचे तो फिर ये सद्दाम हुसैन का नाम भी सामने आया, वो उसका भाई है। अच्छा, वो यहाँ पर आके देखने आया है। वो काफी घर पर थे, सद्दाम जो थे वो घर पर थे जी, घर पर थे वो घर पर थे। ठीक है, मैं आपका एक पैकेज चला रही हूँ अब्बास, उसके बाद मैं अगले सवाल पर आऊंगी। जी दिखाइएगा। आयशा के हवाले से ये जो पैकेज है ये आप चला रहे हैं जीशान? ठीक है, आयशा की कहानी से, आयशा मीनारे पाकिस्तान की कहानी से रिलेटेड ये पैकेज जरा देखिए। जी माया, इस वक्त मैं शाहदरा में उस घर और उस गली में मौजूद हूँ जहाँ से, जिस इलाके में से जो है वो आयशा अकरम बे का ताल्लुक है। हम यहाँ पर पहुँचे, उनके घर वालों से हमारे फ़ोन पे बात होती रही और आयशा बेग से हमारा खुद जो है वो रابطہ हमने कोशिश की। उन्होंने एक दफ़ा जो है हमारी कॉल अटेंड की और उसके बाद उन्होंने कहा आप घर आ सकते हैं, लेकिन अब जैसे ही उनके घर पहुँचे तो हमें पता चला कि आयशा अकरम बेग को पुलिस ने जो है वो अपने साथ प्रोटेक्शन के, पुलिस के पास प्रोटेक्शन में है और अभी पुलिस जो है उसे वहाँ पर लेकर गई है जहाँ पर 20 लोगों को जो है वो गिरफ्तार करके रखा गया और वहाँ पर उनकी जो है वो शिनाख्त करवाई जा रही है। इस घर की लोकेशन ये आपको दिखा सकता हूँ, बड़ी कंजस्टेड सा ये इलाका है, बड़ी तंग गलियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे लोगों से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि यहाँ पर आयशा बेग जो है वो नॉर्मली जो है वो नहीं होती थी, उसके माँ बाप और भाई जो है वो यहाँ पर होते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आयशा बेग इस घर में मौजूद नहीं है। ये इस घर की लोकेशन शादा टाउन लाजपत रोड है। इसके साथ साथ क्या सूरत हाल है ये सारे मामले की, ये मामला है क्या, इस चीज़ के बारे में बड़ी ही अफवाहें और बहुत सी हकाइक भी जो है वो सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो पुलिस की जानिब से ये मौकफ इख्तियार किया जा रहा है कि आयशा बेग जिसे पुलिस प्रोटेक्शन में इस वक्त रखा गया है उसे 14 तारीख को उसके साथ ये वाकया पेश आता है और 17 तारीख को इसकी जो है वो FIR लॉन्च होती है। ये इस चीज़ को लेकर जो है वो बहुत ही जो है वो मिस्ट्रीज हैं अभी और जो खोलने की ज़रूरत है। बहरहाल अभी अगर बात करें तो ये हम यहाँ पर शादरा को ये जो लाजपत रोड है वहाँ पर मौजूद हैं, उनके घर में हम आए, उनकी जानिब से कि माँ बाप भी नहीं मिले और ना ही उनके भाई मिले, बल्कि उनके जो भाई हैं सद्दाम हुसैन उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि वो खुद भी जो है पुलिस के साथ एंगेज हैं और सारी जो इस वक्त जो प्रोग्रेस हो रही है पुलिस की जानिब से उसे जो है वो देख रहे हैं और घर में इस टाइम मौजूद नहीं है। हम खुद उनके कहने पर यहाँ पर पहुँचे लेकिन यहाँ पर आगे हमें कुछ नहीं मिला। अब आगे देखते हैं कि क्या बात होती है उनसे और क्या आगे प्रोसीजर चलता है। जी इतना जरा हमारे साथ एक छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। अब वक्फे के बाद हम वापस आते हैं। बहुत सारे सवाल यहाँ पर अभी आ रहे हैं और जो बहुत इन दो चार दिनों में बहुत ज़्यादा सवालात आ गए, उसमें ये कि पुलिस का जो प्रोटोकॉल था वो वीडियो में हमने देखा कि वो प्रोटोकॉल उनको कैसे मिला, किस तरह अरेंज हुआ, कैसे मिला, कैसे पुलिस को पता चला इनको प्रोटोकॉल देना, और अगर जब इनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो रही थी इनकी इज्जत पर, इनका सब कुछ होता, उस वक्त पुलिस कहाँ थी, ये सवालात आते हैं बहुत सारे। अच्छा, बात ख़राब कहाँ से होना शुरू हुई जब पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है, आवाम दिखाई दे रही है उस वीडियो में कि वो जाल के पीछे है या वो तारों के पीछे है, तो उसके बाद आवाम ने हमला कैसे कर दिया? फ्लाइंग किस के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है और कह रहे लोग फ्लाइंग किस दे रही थी, फ्लाइंग किस दे रही थी, तो उसका क्या वाक़या है? ये हम सब अब्बास अदर साहब से पूछेंगे और अब्बास अदर साहब ने कहा कि 14 से लेकर 17 के बीच में जो ये गैप आया उस पर लोगों को बहुत सारी तशवीश है और सवालात लोगों के जहनों में जो है वो जन्म ले रहे हैं। ये तमाम और बहुत सारी जो और मजीद सवालात उन पर से पर्दा उठाएंगे, सबसे के बाद हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे मुझे भी दे दीजिएगा यहाँ पर, आई कैन नॉट सी द विंडोज़।
खुदिन हजरात माया कहानी में आज आयशा मीनारे पाकिस्तान का जो वाकया है जो 17 अगस्त से जिसने एक शोर पकड़ा और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। मुख्तलिफ किस्म के मौकफ लोगों ने अपने बयान किए और इस वक्त भी ये जंग जारी है कि भाई ये आयशा ने सही किया या गलत किया, या ऐसे आएगी तो ऐसा होगा, ऐसे आएगी तो ऐसे होगा। बात सिर्फ इतनी है कि जो वाकया जिस पर शोर मचा 17 अगस्त को, जो कि लोगों की नज़र में जिस पर तशवीश भी लोगों को हुई कि 14 अगस्त को होने के बाद 16 अगस्त को एक तस्वीर शेयर करना जिसमें वो खुश है, सब कुछ है, लेकिन साथ साथ ये सच भी सामने आ गया आज कि मेडिकल रिपोर्ट में 13 जगह पर उनके उनके ऊपर निशानात साबित हो गए, उनके ऊपर तशद्दुद, इनके ऊपर नील चोटें जिसमें बाजू, गर्दन, पीठ भी शामिल है। फिर ये निशानात कहाँ से आए, ये चोटों के निशान कैसे साबित होते हैं, ये तशद्दुद हुआ उनके जिस्म पर वो कैसे साबित हुआ। हमारे साथ इस वक्त जो है हमारे रिपोर्टर अब्बास हैदर भी मौजूद हैं। अब्बास, हमारे साथ एक हाउसवाइफ भी मौजूद है, बिकॉज हाउसवाइफ एक बहुत बड़ा और एक बहुत अहम तबका है इस वक्त, क्योंकि वो ना सिर्फ जो है पढ़ी लिखी हैं, शऊर याफ्ता भी हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स की बात कर रही हूँ जो कि एक्टिवली इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। उनको उनके उनका नज़रिया क्या है, वो क्या सोचती हैं, उनको क्या लगता है आयशा के हवाले से क्या सच है क्या गलत है, और उनका ख्याल क्या है कि आयशा सच कह रही है कि नहीं। हमारे साथ मिसेज इमरान हैं जो जिनका ताल्लुक लाहौर से ही है। अस्सलाम वालेकुम मिसेज इमरान। मिसेज इमरान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। वेरी गुड, ग्रेट, थैंक यू मिसेज इमरान, आप शो पर आई। और मुझे एक बात बताइए, आप इस वक्त हाउसवाइफ्स के ज़हनों में क्या चल रहा है, मुख्तलिफ हाउसवाइफ्स आपस में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं इस पूरे आयशा केस के हवाले से? देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है। एक औरत होने के नाते ऑफ कोर्स जो कुछ भी हुआ इंतहाई गलत था। वो जैसा भी है, कोई टिकटॉकर है या कोई भी एक आम लड़की है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ इंतहाई गलत है हर लिहाज से। मगर मेरा एक सवाल है उनसे भी कि आप जिस वक्त वहां पे मौजूद थी, बकौल आपके हमारी पुलिस नहायत नाअहल है जो पहुंच नहीं सकी वहां पे, मगर आपके घर वाले उस वक्त कहाँ पे थे, आपने उनको इन्फॉर्म कैसे नहीं किया, वो इतने बेखबर आपसे कैसे रहे कि इतनी रात इतना वक्त बीत गया और आप तक वो पहुंच ही नहीं सके, वो आपको कॉन्टेक्ट नहीं कर सके। ये कुछ एक ऐसे सवाल हैं जो हम जैसे लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। मुझे ऐसा अच्छा, लगता है कि उनके घर वाले कहाँ थे। अब्बास इधर, आपको आवाज आ रही है मिसेज इमरान की? जी मुझे आ रही है। हमारे नुमाइंदा हमारे साथ है मिसेज इमरान, वो आपको शायद इसका जवाब दे सके और मैं भी चाहूंगी इसका जवाब अगर है तो जरूर दें। अब्बास के घर वाले कहाँ थे जब इतनी देर तक बकौल मिसेज इमरान के भाई लोग ये भी सोच रहे हैं वो कितने बजे से निकली थी, कितनी देर हो गई थी और इतनी देर हुई तो कोई परेशान क्यों नहीं हुआ, जो की बात सच है। जी मैं आपको ये जरा इसका बताता हूँ। ये 6 बजे पूरे जो है वो मीनारे पाकिस्तान में पहुंची, ग्रेटर में 6:30 बजे जो है वो इनके साथ जो है वो दस्तराजी शुरू हुई, उनके गिर्द हुजूम इकट्ठा हो गया क्योंकि उन्होंने खुद इनवाइट किया हुआ था लोग, और कुछ लोग वैसे ही वहाँ पार्क में, आपको पता है आजादी के हवाले से बड़ा अहम पार्क है मीनारे पाकिस्तान है, जब भी 14 अगस्त के 23 मार्च होते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा रश होता है। मिसेज इमरान, आप सुन सकती हैं आवाज अदर की? आवाज जी जी, मुझे आवाज आ रही है। हां ठीक है जी। अब होता क्या है, 6:30 बजे ये सारी दस्तराजी और छेड़छाड़ शुरू होती है और फिर जब ये सारा वाकया शुरू होता है 7:15 पर उन्होंने पहली कॉल की 15 पर, उसका उन्होंने 15 पर इतला दी, पुलिस ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर दूसरी कॉल, ये पुलिस का डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी कॉल 15 पर उठ जाती है 7:26 पर, 11 मिनट बाद दोबारा कॉल जाती है, पुलिस ने तब भी कुछ नहीं किया। फिर तीसरी कॉल उनकी जानिब से उनके फोन नंबर से 8:40 पर पुलिस स्टेशन और 15 पर जाती है, जिस पर सब एक्शन लिया जाता है। 8:40 पर कॉल जाने के बाद तकरीबन कोई आधा घंटा मजीद लगा, 9:15 बजे जो है वो पुलिस वहां पर
पहुंची एसएचओ लारी अड्डा, क्योंकि उनका सारा ये लगता है, तो वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने जाकर सारे लोगों को जो है वो मुंतशिर किया और आयशा को और उनके जो साथी थे उन्हें अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन चले गए। अब मेरा ये सवाल है कि हमने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें उनको प्रोटोकॉल के साथ लेके आया जा रहा है। जी माफ, मेरा सवाल अभी भी ये है, अगर मैं अपने हवाले से बात करूँ एक औरत होने के नाते, अगर मैं किसी मुश्किल में फंस गई हूँ, मैं किसी जगह पे मौजूद हूँ, तो मेरा पहला फोन कॉल मेरे घर वालों को होना चाहिए कि मैं अगर मुश्किल में पड़ गई हूँ तो वो किसी न किसी तरह मुझे वहां से निकाल ही लेंगे। बकौल उनके उनके साथ उनकी टीम मेंबर भी थी, ठीक है, वो हरास थी, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, वो कॉल नहीं कर सकती थी, ठीक है, मगर उनके टीम मेंबर उस वक्त कहाँ पे थे, उन्होंने उनके घर वालों को कैसे इन्फॉर्म नहीं किया, और मतलब 9 बज चुके थे और उन्होंने अपने घर में एक फोन कॉल ना उनकी जानिब से हुआ ना उनकी टीम की जानिब से हुआ, कुछ नहीं, तो कम से कम आके वो अपने अपनी बच्ची को दिलासा देके किसी भी तरीके से, मतलब घर वाले हैं वो, उनकी बच्ची है, जी अब्बास इसका जवाब देना चाहिए आप। जी तो जी जी जी, ये जब ये वाकया होता है, ये इस एफआईआर में एक नाम दर्ज है सदाम हुसैन, ये बेसिकली भाई है आयशा अकरम का, ये सदाम हुसैन से इनकी जानिब से एक कॉल की जाती है, क्योंकि मैंने पहले जैसा कि इस प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि आयशा अकरम हॉस्टल में रहती थी और हफ्ते में एक दिन जब उसे छुट्टी होती थी, ये नर्स थी, तो एक दिन के लिए जब ये घर आती थी तो उस वक्त इनके घर से मुलाकात होती थी, ये हॉस्टल से घर जा रही थी, रास्ते में इन्होंने क्योंकि प्रोग्राम बनाया हुआ था नारे पाकिस्तान में रुक कर उन्होंने वीडियो शूट करनी है, तो वो तब वहां पर जो है वो पहुंची और उस वक्त जब ये छेड़छाड़ शुरू हुई तो तकरीबन जब 15 पे कॉल हुई उसके फौरन बाद तकरीबन 7 बजे के करीब ये आयशा अकरम ने स्टेटमेंट दी है पुलिस को कि उसने कॉल की अपने घर वालों को और उसमें ये इत्तला दी कि उसकी लड़ाई हो गई है वीडियो शूट के दौरान कुछ लोगों से, जिस पर उसके घर वालों में उसके वालदैन में से जो है वो सिर्फ एक शख्स आया, ये सदाम हुसैन, जिसको वहां पर ऑपरेटर इकबाल पर पहुंचा। 8:40 पर जो कॉल जाती है वो उसके भाई की तरफ से, सदाम हुसैन की तरफ से जाती है, जिस पर फिर एक्शन लिया जाता है। पहले वो क्योंकि इतना हजूम था उनके गिर्द, इतना आप वीडियो में देख सकते हैं, शायद मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स इतने हजूम में कोई कॉल कर या पुलिस को बुला सके, या कोई वो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में थे कि वो अपनी जान छुड़ाकर किसी तरह वहां से बाहर निकले फिर कॉल करें। ये कॉल पहले भी पुलिस को शायद गई, उसकी रीजन ये थी कि उन्हें सही तरह शायद ये लोग बता नहीं सके कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये हुकूमत ने भी एक्शन लिया, ये पुलिस की जानिब से बड़ा फेलियर था कि अगर पुलिस 15 पर कोई ऐसी हरासमेंट की कॉल जाती है तो उसमें पुलिस को फौरन एक्शन लेना चाहिए, जिस पर हुकूमत ने आज सस्पेंड भी किया बड़े अहदेदारान को, डीआईजी को ओएसडी कर दिया, डीआईजी ऑपरेशन को एसएसपी और नीचे जो एसएचओ तक पूरी जो लाइन है एक पुलिस की उस सबको जो है वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो इसकी ये रीजन है कि पुलिस की जानिब से कोई इंतजाम वाकई ही नहीं था, ये वो वाली बात है। इसका मतलब है अब्बास के ये जो हैं ये हॉस्टल में रहती थी, चूंकि ये भी मुझे अभी अभी पता चला है कि वो जॉब करती थी और वो एक नर्स हैं, वो जॉब करती हैं, तो ये इसका मतलब है वो घर में रहती ही नहीं थी। ये तो क्या मिसेज इमरान आप लोग इस हकीकत से वाकिफ थे, क्योंकि मेरे लिए भी ये अभी पोशीदा हुई है, मेरे मत पर अभी ये बात हुई है मेरे सामने। नहीं, आपका बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, मगर मेरा सवाल अभी भी वही है कि अगर उन्होंने अपने भाई को इन्फॉर्म किया था तो मतलब लेट अस यू उन्होंने 7 बजे उनको इन्फॉर्म किया या 7:40 किया, तो वो 9 बजे तक भी वो कुएं पर मौजूद नहीं थे उनके साथ, मतलब हाँ। मुझे नहीं अभी भी ये बात समझ में आ रही कि उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि मुझे हरेस किया जा रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मुझे आके बचाया जाए, क्योंकि एज वुमन मैं तो सबसे पहले यही करूंगी कि मैं अपने घर में से किसी को बुलाऊंगी कि मेरी मदद कर सके। अच्छा अब्बास, ये एक और चीज भी सामने आ रही है कि उन्होंने जो एफआईआर में, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं हर तरह का मौकफ पे बात करना चाहती हूँ, लड़की के साथ जो भी हुआ किसी भी औरत के साथ ना कभी होना चाहिए था और ना कभी होना चाहिए, इस बात पर तो कोई बहस और कोई बात है ही नहीं, लेकिन बहुत सारे सवाल मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर और दीगर और जगहों पर ये सवाल बहुत उठ रहे हैं। अब्बास, एक सवाल और बहुत ज्यादा उठ रहा है, एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें एक बुजुर्ग हैं और उनकी दो बुजुर्ग हैं बीवी और उनको वो कह रहे हैं कि जी हमारे घर पर लोग आ रहे हैं क्योंकि आयशा ने अपनी एफआईआर में हमारा एड्रेस लिखवाया है, उसके वीडियो दिखाना चाहूंगी फिर उस पर बात करेंगे। जी दिखाइएगा।
अल्लाह जाने किसी ने हमदर्दगी की थी है, कुछ दुश्मनी की जाए किसी ने ड्रेस ला पहुंचोगे साढ़े बुए गए दस बंदे दिहाड़ी से सत बार आए ने सानू तो मोहल्ले च दहन जोगे नहीं छड़ देवे तुसी वेखो लड़की ने तुसी नहीं जानते ना मेरा पुत्र ना शक्ल बाबा जी दुसी भी नहीं जानते वाकवा ना ना तो वाकवा ना ओदी शक्ल तो वाकवा साडे घर एटा कुटी सन बंदा बुलादे जने आ जिस तरह दे तुसी होने इस लड़की ने पूछना तोडा एड्रेस क्यों ये वीडियो आई है सबके सामने अब देखते हैं इसमें क्या हकीकत है और क्या नहीं है बहरहाल अभी तक ये बात नहीं पता चली है कि आयशा पुलिस स्टेशन में कब तक रहेंगी शनाख्त के लिए उनसे रापता होगा डेफिनेटली उनको भी क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो शो पर आएंगे लेकिन इस वजह की वजह से वो नहीं आ सकी इस हफ्ते के बाद हमारे साथ रहेगा मीनार पाकिस्तान आयशा केस आज माया कहानी में जिसके बारे में बात हो रही है और इसके क्या हालात हैं इस वक्त क्या सिनेरियो है हमारे हमारे साथी अब्बास हैदर मौजूद हैं लाहौर में इस वक्त और अब्बास इस वक्त कहां पर है मैं जानना चाहूंगी जी अब्बास अस्सलाम वालेकुम कहां पहुंचे अब्बास जी हम पुलिस स्टेशन में है इस टाइम लारी अड्डा अच्छा ये क्या इसी पुलिस स्टेशन में जो है वो लाई गई है शनाख्त के लिए आयशा जी जी इसी पुलिस स्टेशन में है और जो गिरफ्तार लोग हैं उन्हें क्योंकि मामला काफी संगीन है तो इस वजह से यहाँ पर लाए गए फिर उन्हें नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है अब वहाँ पर शिनाख्त करवाई जा रही है ये इसकी रीजन ये होती है कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है लोग काफी मुश्किल हुए होते हैं तो ऐसे मामले में ये चीज पुलिस लाजमी देखती है कि मदई और मुल्जम दोनों सेफ रहने चाहिए इस वजह से अपने अमल मुकाम पर उन्हें मुंतकिल किया गया और वहाँ पर शिनाख्त जो है वो करवाई जा रही है ठीक है अच्छा अब्बास बहुत सारे सवालात ऑब्वियसली हर तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है और बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और लिखकर भेज रहे हैं कि आप ये सवाल करें और आप ये सवाल करें आपने बहुत सारी सिनेरियो बताया मैं आपसे सवाल जो करना चाह रही थी कि हमने कुछ वीडियोस में जो लोग कह रहे हैं हमने देखा कि प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा था और एक तरफ आवाम उनके दाएं जानिब सिक्योरिटी पीछे थी तारों के पीछे और उनके साथ कुछ लोग चल रहे थे लोगों का ये भी एक नजरिया है कि जो लोग उनके साथ उस वीडियो में चल रहे थे वो उनके अपने दोस्त और उनके अपने लोग थे जैसे कि आपने बताया उनके टीम से चार लोग टीम के थे उसके अलावा एक पुलिस वाला एक सिक्योरिटी गार्ड इनको एस्कॉर्ट करता हुआ लेकर जा रहा है तो ये प्रोटोकॉल कहाँ से अरेंज हुआ था लोगों का ये सवाल है कि ये प्रोटोकॉल अरेंज कहाँ से हुआ था ये बेसिकली प्रोटोकॉल कोई भी नहीं था इनका ये बेसिकली जब यहाँ पर पहुंचे मीनारे पाकिस्तान में तो मीनारे पाकिस्तान जो मेन मीनारे पाकिस्तान है जो बिल्डिंग है जो मीनार है पाकिस्तान का वहाँ पर ना उसके चारों अतराफ में एक कार जो है वो एक फेंसिस लगी हुई है ताकि लोग जो है वो उस बिल्डिंग तक ना पहुंच सके तो वहाँ पर मीनारे पाकिस्तान से पहले ये तार का अहाता है जो दायरे की शक्ल में लगा हुआ है और साइड से लोग जा सकते हैं इसके अलावा ये उस एरिया के अंदर थी तो वहाँ की परमिशन मतलब इन्होंने ली थी उनको मिली होगी जाहिर है कि ये आ रही थी इसलिए इनको ये ओपन कर दिया था एरिया ये वाला जी बेसिकली हुआ ये है कि जब ये ओपन किया गया तो ये क्योंकि टिकटॉक स्टार थे लोग इसके पीछे पीछे थे इसे एक तो लोगों से बचाने के लिए और दूसरा वीडियो शूट करने के लिए मीनारे पाकिस्तान की जो फेंसिस है उस पे जाने की परमिशन दी गई जैसे ये पांच छह लोग जो है मीनारे पाकिस्तान के अंदर गए तो इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लोगों ने जो वहां पर गार्ड मौजूद थे जो वीडियो में नजर आ रहे हैं वो गार्ड जो है वो बेसिकली वो उस फेंसिस की हिफाजत उस बिल्डिंग की हिफाजत के लिए जो एंट्रेंस है वहां पर खड़ा हुआ था तो जैसे ही पांच छह लोग अंदर गए हैं तो पीछे से जो बचपा था जो लोग थे उन्होंने वो जंगला क्रॉस किया वो अब मेरा सवाल है अब्बास वक्त बड़ा कम है मुझे ये बताइए कि सिचुएशन अभी तक कुछ वीडियोस में आ रही है सुकून से अपनी टीम के साथ अपने लोगों के साथ आ रही है मसला ये है आयशा की सिचुएशन ये एक अचानक से बदतरीन कैसे हो गई ये जंगली सिचुएशन जो हुई ये गिद्धों की तरह जो उसके ऊपर कूदे थे ये सिचुएशन कैसे हुई मुझे ये बताइए अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक सिचुएशन बताऊं मॉब की और जो हजूम है उसकी क्या एक सिचुएशन होती है क्योंकि हम भी ऐसे जगहों पर कवरेज करते हैं और हमें भी पता है इस मॉब में क्या चीज होती है जब मॉब में जब एक शख्स आ जाता है तो जब एक शख्स भी अंदर से जब एक सेलिब्रिटी कह ले कोई एक मीडिया पर्सन कह ले या कोई भी शख्स आम पता भी उसके बारे में कोई एक शख्स इशारा कर जी एक शख्स इशारा कर दे के
इसको फड़ लो, पकड़ लो, इसे पकड़ लो, तो वो जब एक बात वो कहता है ना, सारा मजमा उसकी बात सुनना शुरू कर देता है और उसकी तरफ लपट पड़ता है। तो ये बेसिकली ये सिचुएशन बस से जब हुई कि दो तीन लड़के थे वहां पर जिनके साथ इनकी मुंह मारी हल्की फुल्की हुई, कुछ वीडियो क्यों को अपनी कुछ पता चला है किस तरह की मुंह मारी हुई, लड़कों के साथ हुई या आयशा के साथ हुई? लड़कों के साथ, वो जो लड़के थे वो आयशा के जारी पास आयशा के साथ ही वीडियो बना रहे थे, लड़कों के साथ उनका कोई वो उनका नहीं था। वो बेसिक उससे जो मेन अपना पॉइंट ऑफ अटेंशन थी वो आयशा खुद थी, उसके साथ वीडियो शूट करना चाह रहे थे। उससे उसी दौरान कोई जख्म पहल हल्की फुल्की हुई, उस बात से ये लड़ाई शुरू हुई। उन्होंने फिर वहां पर इन लोगों को एंगेज किया कि आप लोग आओ वीडियो बनाओ, फिर जख्म पहल वो दो चार लोग मतलब है कि पहले बदतमीजी आवाम की तरफ से पहले लफाजी की शक्ल में हुई, उसका जवाब दिया गया और फिर ये धक्कम पेली और हाथापाई तक पहुंची और फिर ये तूफान बदतमीजी शुरू हुआ। इसका मतलब है कि क्या वजह, क्योंकि मैं वजह टू एंड टू टुगेदर वाली बात होती है कि इतनी सुकून से एक इंसान आ रहा है, अपनी वीडियो बनाने आ रहा है, अपनी वीडियो बनाकर जा सकता है, लेकिन अचानक से इतनी बदतरीन वीडियोस हम देख रहे हैं। कुछ वीडियोस तो मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, अल्लाह जानता है, लेकिन मैंने जो सुना है उससे मेरे कान जो है ना और मेरा जो दिल जो है ना वो रोंगटे खड़े हो गए और दिल दहल गया कि जिस तरीके से उसके उसके कपड़े नोचे गए, ये बात भी सच है, उसके साथ उसके 13 जगहों पे उसके जिस्म में जो है वो नीलों के निशान नजर आए हैं। ये बात समझ नहीं आ रही कि बदतमीजी तो होती है, करते हैं, देखते हैं, लफाजी के तौर पे भी होती है, लेकिन एक औरत को नोच खाना, ये समझ नहीं आया मुझे, बात बिल्कुल मेरे समझ नहीं आ रही। ये सवाल भी उठा गया है, बहरहाल लोगों का ये सवाल भी है कि वो फ्लाइंग किसेस दे रही थी जिस पर लोग जो हैं वो बहुत जज्बाती हो गए और उनकी तरफ लपक पड़े, उनकी तरफ दौड़ पड़े, इसमें क्या सच्चाई है? बस निशान वीडियो नहीं है, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। वो जारी बात है, एक टिकटॉक वीडियो बनाती थी, यूट्यूब वीडियो बनाती थी और फैन फॉलोइंग जारी बात है, जब आपको लोग लाइक करते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, फैन फॉलोइंग हो जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में जब वो अंदर आई, इतने लोगों को देखा, तो उन्होंने अपनी तरफ से एक सेलिब्रिटी बनने की कोशिश की होगी, जारी बात है। जब आप वहां पर गए हैं तो फ्लाइंग अब्बास, मैं आपको कहूंगी, आपको यही रोकूंगी, टोकूंगी, बात कंप्लीट जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा, आपने कहा सेलिब्रिटी बनने की कोशिश की गई है, तो क्या आप भी मानते हैं कि आयशा एक सेलिब्रिटी नहीं है? नहीं, सेलिब्रिटी तो तब होता है जब आप, अब जो भी सेलिब्रिटी कहीं जाता है वो पहले वहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं कि मैं फलान जगह आ रहा हूँ, वहाँ पर परमिशन देते हैं। वैसे इन दिनों में जब ये 14 अगस्त हो गए, मुहर्रम भी चल रहा था, तो ऐसी जगहों पर एक मॉब इकट्ठे करने की तो वैसी परमिशन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक पार्क था, वहाँ पर लोग दोस्तों अहबाब और फैमिली के साथ जाते हैं, वहाँ पर पहले से इकट्ठे थे, तो इतने लोग जब वहाँ पर, मेरा ख्याल है उसके कहने पर कोई 30-40 लोग आए होंगे, बाकी लोग उन्हें देखते हुए इकट्ठे हो गए साइड पे, तो वो अपने आप को बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी समझना शुरू हो गई होगी ऑब्वियसली। तो वो जब ये मतलब आप कहते हैं कहीं ना कहीं इस वाकये की शुरुआत में कहीं जो है आयशा या इनके साथ जो लोग थे, कभी इंसान जज्बात, ये क्यों मतलब इस तरह क्यों हुआ? किसी ने इनको जज्बाती किया जाने के लिए, किसी ने इनको मशवरा दिया जाने के लिए, इतना ज्यादा बुरा हाल हुआ कि मतलब उसका आप कोई उसको आप माइनस नहीं कर सकते, कहते हैं ना कि इंसान रिवर्स कर ले, अफसोस के तौर पे दिल दुख रहा है ये बात कहते हुए, लेकिन ये जाकर पीछे हटकर ये मिट नहीं सकता, जो वाकया इसके साथ हुआ है वो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन साथ में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है और हमें बताइए कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और इस केस का आगे क्या होगा, ताकि हम प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ पहुंचे। जी, मैं यहाँ पर पॉइंट कंक्लूड ये करूंगा कि ये बेसिकली एक इंसिडेंट वाकई हुआ है और इसकी वीडियो भी बनी, इसकी वीडियो लोगों ने वायरल भी की, सारी जगह फैल गया, लेकिन कुछ लोगों के हाथ ये वीडियो लगी, उन लोगों ने इन वीडियोस को यूज किया, आयशा को इस्तेमाल किया और इस वीडियो को एक रंग दिया, चाहे वो कोई उनका मकसद होगा कि इसे रंग किया जाए और इसे पॉइंट आउट किया जाए ताकि उनके कुछ मसले मसाइल हैं या फिर कोई और वो बात हाईलाइट करना चाहते हैं, उन्होंने वो हाईलाइट की। ये एक वाकया हुआ है और मेरा ख्याल है, हमने अभी कुछ देर पहले ही भी ब्रेक किया है कि ये वीडियो एक अकेली दी थी और भी बहुत ही शर्मनाक, इससे भी ज्यादा शर्मनाक वीडियो जो है वो दो तीन अभी हमारे हाथ तक ही है, वो भी 14 की वीडियो है, लड़की रक्षे में जा रही है और एक आदमी जो है लड़का आया वो उसने जो है वो रक्षे के अंदर चला गया। अभी देखी प्रोग्राम के चंद लम्हे आगाज, प्रोग्राम शुरू होने से दो चार लम्हे पहले।
ये इसको भी ज्यादा शर्मनाक है कि वो लड़की जा रही है और कोई लड़का जाकर इस तरह वो कर रहा है। ये बेसिकली एक वाकया हुआ और इस वाकया को हाईलाइट किया है कुछ गलत लोगों ने अपने मुकासिब पूरा कर। अब उससे ये हुआ है कि ये वीडियो हाईलाइट हुई, इस लड़की को शायद इंसाफ मिलेगा, जो भी हो ऐसी वीडियोस को यूज करके वो लड़की भी फायदा उठा सकती है, इसलिए लोग ये बातें कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो से जो पाकिस्तान की बदनामी हुई है, मेरा ख्याल है जो पाकिस्तानी नेशन है वो इस चीज को बहुत ज्यादा कंडेम कर रही है। और यही वजह है कि जब जब आप ऐसी वीडियो सामने आती है, पूरी दुनिया ने, इंटरनेशनल मीडिया जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव है आजकल, जैसे प्राइवेट चैनल्स है, वो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, बहुत से फेसबुक चैनल है, उनमें जब ये वीडियो चली तो जाहिर बात है उसे पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया उसे समझती है, गौर करती है। और ये चीज को लोगों ने कंडेम किया कि पाकिस्तान में लड़कियों की, लड़कियां हर प्रोफेशन में है, आप भी एक लड़की है प्रोग्राम करती है, एक मुझे ये बताइए, लोगों ने ये भी कहा कि अपना मेरे जहन से अभी सवाल आया था ये कि ये जो है इन्होंने किसी खास प्लान के तहत किया था, क्या इनके इनके जहन में था? और लोगों ने ये सवाल भी उठाया कि जी वो कपड़े ऐसे पहन के गई, कपड़े तो पूरे शरार कमीज दुपट्टे में हैं, उसमें तो कोई शक नहीं नजर आ रहा है, बल्कि मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या आपके नजर में क्या मतलब इनके पीछे, इसके पीछे इनका प्लान था? लोगों ने बहुत इल्जाम लगाया कि भाई ये जो है ये प्लान के तहत गई थी कि ये करना है, ये सारा प्लांटेड है, पब्लिसिटी स्टंट है। ये बहुत ज्यादा इसका शोर मच रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये जानकर किया गया। 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक खामोश रहा गया। 16 अगस्त को इनकी एक तस्वीर आती है जिस पर लोगों ने कहा बड़ी नॉर्मल हस्ती खिलती तस्वीर थी, फिर उन्होंने कहा कि मैंने जो है मैं ट्रॉमा से निकल रही थी। आपकी नजर में क्या है सारा ये क्या इसका मतलब, मकसद क्या है सारी बातों का? ये बात तो बिल्कुल हकीकत है कि ये जो प्रोग्राम एक किया गया था जिसमें दुपट्टा पहना कर बैठाया गया उस लड़की को, सारा ये पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया, ये बेसिकली उसकी लड़की के घर की वीडियो नहीं है, ना उसके हॉस्टल की वीडियो है, ना कोई पुलिस स्टेशन है, ये एक प्राइवेट जगह थी, वहां पर इस लड़की को ले जाया गया, वहां पर प्रॉपर एक वीडियो चलाकर फिर एक इंट्रो देकर एक प्रोग्राम सारा शुरू किया गया। ये एक हम इसे कह सकते हैं कि पब्लिसिटी का स्टंट भी हो सकता है और इसके साथ साथ कोई और मकासद भी हो सकते हैं लड़कियों के मामले को लेकर, जो है वो जो आजकल मामला चल रहे हैं, जो बड़ा पिछले दिनों में अफसोस की बात ये है अब्बास, जो कि मुझे शर्म आती है इस बात पर कि दो लम्हों के अंदर एक चीज मुल्क के से बाहर चली जाए। बड़े बूढ़े हमेशा कहते थे जो भी घर के झगड़े हैं, जो भी नाचाकियां हैं, जो भी तुम लोग एक दूसरे से इत्तफाकियां नहीं रखते, ना इत्तफाकियां, वो घर के अंदर रखो, मुल्क में रखो, हम मुल्क से बाहर ऐसे निकालते हैं और लोग फिर कहते हैं कि ये कोई जगह है आने वाली, यहाँ हम कैसे आए, हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है, ये नहीं है। और ये बात सच है कि बहुत सारी बहन बेटियां सेफ नहीं है, लेकिन बहुत सारी बहन बेटियां अब्बास काम भी तो कर रही हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं, हम भी तो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाला तो कोई भी हो तो मैं उसके खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आयशा का ऐसा कोई मकसद था। लेकिन ये मेरा नजरिया हो सकता है, मैं गलत हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त ये माजरा जो है ये इतनी ज्यादा दो रुख, दोनों तरफ का जो रुख है ना वो बहुत मजबूत हो चुका है। एक तरफ के आयशा मुल्क का नाम खराब करने के लिए सब कुछ कर रही है, इसने प्लान के तहत किया, ये 3 दिन तक वेट करती रही, और एक तरफ ये है कि एक लड़की के साथ इतना बुरा कुछ भी हो जाए, मैं कहती हूँ चाहे मौकफ यहाँ कहो वहां कहो, जो उसके साथ हुआ उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना, बस उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं यहाँ पर एक चीज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूंगा, बल्कि ये हम सबकी एक अपील, सबरे पूरी नेशन की एक अपील है कि इसमें ये जो DIGs और SSPs की जो एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिन्होंने 2 तारीख को जो है वो ये रिपोर्ट पेश करनी है, इसके अलावा भी एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मामला छोटा नहीं है, इसकी इंक्वायरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवानी चाहिए, ताकि एक ये वाक्य हो गया ठीक है हो गया, लेकिन इस वाक्य को इस तरह का रंग देना और किस मकसद के लिए, इसकी सिंपल बातें हैं, आप लड़की का और उनके जो रूफ का साथ गए थे, उनकी वीडियोस मैसेज, उनके जो पूरा फ़ोन का डाटा जो डिलीट हो गया है उसे भी रिट्राइव रिट्रीव करवाया जा सकता है,
ਜੇ ਸਾਰੀ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਖੋਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਨ ਕਿਨ ਸੇ ਇਨਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਯੇ ਵਾਕਿਆ 14 ਤਰੀਕ ਕੋ ਹੋਇਆ ਔਰ ਯੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ 17 ਤਰੀਕ ਕੋ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੀ ਜੋ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇਂ ਜਬ ਇਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵੋ 14 ਅਗਸਤ ਕੋ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਦੀ ਗਈ ਜੋ ਲੜਕੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਿਸਮੇਂ ਵੋ ਨਾਰਮਲ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਇਸਕੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਯੇ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਯੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਆ ਜਾਏ ਤੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਹਕਾਇਤ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्बास। इंशाल्लाह इस हवाले से आपसे अपडेट लेंगे, हो सकता है कल कोई और शक्ल अख्तियार हो तो हम आपके साथ इंशाल्लाह डेफिनेटली रब्ता करेंगे। आज हमने मीनार पाकिस्तान आयशा केस अपने शो में कवर किया और हमने कोशिश की कि आपके सामने हर तरह के उस जो है हम उस नुक्ते को उठाएं जिसको आप लोग हर तरह से रेस कर रहे हैं। तमाम सवाल जो आपके जहनों में थे उसको हमने कोशिश की कि हम उसके बारे में बात करें और उसको किसी तरीके से भी कोशिश ये करें कि यार हमें इस मामले का कोई असल शक्ल पता चले, बिकॉज इसके दो रुख बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अब तीसरा रुख जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सच्चाई के और हर तस्वीर के तीन रुख होते हैं, एक वो जो आप देख रहे हैं और एक वो जो अगले का है और एक वो जो दरअसल हकीकत है। इंशाल्लाह होगी आपसे कल मुलाकात। माया कहानी में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।